दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपना ईपीएफ या पीएफ का बैलेंस या कितना आपका पैसा हुआ है वह कैसे आप पता करेंगे या कैसे चेक करेंगे कि आपका कितना इस समय आपका। बहुत आसान तरीके से दोस्तों आप अपना अमाउंट चेक कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के गूगल या गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं किस तरह से आप चेक करेंगे। सबसे पहले जैसे दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के गूगल या गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको टाइप करना है यूएन लॉगिन। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का दूसरा पेज खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको नीचे चले आना है, यहाँ पर ईपीएफ मेंबर पासबुक एंड क्लेम स्टेटस, इसी पर हमको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इस वाले पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का दूसरा पेज खुलकर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप अपना ईपीएफ नंबर जो होता है दोस्तों यहाँ पर आप डाल दीजिएगा और दोस्तों यहाँ पर अपना जो पासवर्ड बनाए होंगे दोस्तों वो यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना ईपीएफ नंबर और नीचे दोस्तों अपना जो पासवर्ड है वो डाल दिया। नीचे दोस्तों आप लिया अपना कैप्चा को डाल रहे हैं। मैंने अपना कैप्चा को डालने के बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आप सर्च किए आपके सामने कुछ दूसरा पेज खुलकर आ गया। यहाँ पर दोस्तों अपना आपका नाम आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका ईवन नंबर है और दोस्तों आपका पैन कार्ड लिंक होगा तो यहाँ पर पैन कार्ड भी शो होने लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह का सिलेक्ट मेंबर, आपने अभी तक लग कितने कंपनी में या आपका कितना ईपीएफ मेंबर हुआ है वो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से यहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर यह दो कंपनी में काम किए हैं जो कि दोस्तों चलिए हम पहला वाले में देख रहे हैं। ईपीएफ का पासबुक देखने के लिए हमके व्यू पासबुक, इसी पर हमको क्लिक करना है। जैसे इसको इस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का दोस्तों इनका ईपीएफ का पासबुक खुलकर आ गया। दोस्तों यहाँ पर इनका ईपीएफ का पासबुक डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये दोस्तों कुछ इस तरह का दोस्तों इनका ईपीएफ है जो कि दोस्तों यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 32,569 रुपया इस समय इनका एम्प्लॉई शेयर है दोस्तों। और दोस्तों इनका पेंशन कितना है 17,823 रुपया दोस्तों इनका यह पेंशन है। दोस्तों इसी तरह चेक किया जाता है। और दोस्तों इनका दूसरा मेंबर क्या है, दूसरा मेंबर पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर व्यू पासबुक नियर पर इस पर आप क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों मार्च 2022 में इनका कितना कंपनी काटा था 1,358 रुपया, अप्रैल में कितना कंपनी काटा इनका ईपीएफ है 1,409 रुपया, मई में कितना काटा है। दोस्त जिस हिसाब से आपका पेमेंट मिलता है दोस्तों उस हिसाब से आपका यहाँ पर ईपीएफ में आपका पैसा आता है दोस्तों। और दोस्तों इनका इसमें कितना हुआ है 42,089 रुपया इसमें हुआ है दोस्तों इनका। यह दोस्तों पेंशन 28,937 रुपया दोस्तों इनका यह पेंशन हो गया है। इसी तरह ईपीएफ का पासबुक चेक किया जाता है आपका कितना पैसा हुआ है। इसी तरह दोस्तों आप बहुत आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस साल का इनका देख सकते हैं अभी तक इनका इंटरेस्ट अभी नहीं मिला है यहाँ से मार्च में और फरवरी साल भर का दोस्तों इंटरेस्ट जोड़ के यहाँ पर आपका आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर प्री ईयर पर इसी पर हम जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों इनका इस ईयर में भी इनका ईपीएफ में इंटरेस्ट नहीं मिला था। और चलते हैं पीछे और चलते हैं दोस्तों यहाँ मार्च से फरवरी तक इनका इंटरेस्ट कितना मिला था 408 रुपये दोस्तों इनका इंटरेस्ट मिला है। दोस्तों इसी तरह ईपीएफ का पासबुक चेक किया जाता है जो कि दोस्तों हम आपको बहुत आसान तरीके से बताए हैं। आप दोस्तों किसी का भी दोस्तों बहुत आसान तरीके से इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं।